उत्तराखंड में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन में प्रवेश करने से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी विधायकों के द्वारा सदन की गैलरी में सीडीएस जनरल विपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम धामी ने जनरल विपिन रावत को नमन करते हुए दुख प्रकट किया और प्रदेश में भी 3 दिन के राजकीय शोक घोषित होने की जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जनरल विपिन रावत को नमन करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के लिए जनरल विपिन रावत का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। जनरल विपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल उनकी जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी, उनकी पत्नी की और साथ में 11 अन्य सैनिक अधिकारियों की एक शहादत हुई है, तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आज हमारे इस सदन ने, पूरे सभी सदस्यों ने बहुत ही भरे मन से उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो एक असाधारण योद्धा, जिस प्रकार से वो देखने में सरल सौम्य लगते थे, वहीं उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति जो दिखती थी, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य जो भी इस प्रकार के घटनाक्रम रहे हों, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। हमारे एक एक सदस्य ने उनके बारे में जो विचार व्यक्त किए, मुझे लगता है उसे समय से बांधना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन सबकी एक ही भावना थी कि ये उत्तराखंड की क्षति नहीं, पूरे देश की क्षति है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सभी लोग काफी भावुक नजर आए। सभी ने इस हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया। सभी ने कहा कि विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अपने गांव में भी उन्होंने घर बनाने के लिए कहा था, मैंने कहा मेरे देखो सेवा हो तो जरूर बताइए। अभी 6-7 महीना पहले उन्होंने भूमि पूजन किया था, अभी 10 दिन पहले उनकी पत्नी यहां पर आई थी, उन्होंने भूमि वहां पर उसका काम शुरू किया था, तो अपनी भूमि से उनका बड़ा लगाव रहा है। आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, केवल उत्तराखंड की क्षति नहीं है, उनके परिवार की क्षति नहीं है, ये हमारे देश की क्षति है, राष्ट्र की छवि है, क्योंकि जिस तरह से वो कमांड थिएटर पर काम कर रहे थे। कल जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली, मैं एक पारिवारिक पूजा के कार्यक्रम में था और जब तक नाम डिक्लेयर नहीं हुए थे, मैं बार बार प्रार्थना करता था कि किसी तरह जनरल साहब सुरक्षित रहें, बचें, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था और जनरल साहब हमें छोड़कर चले गए। उनकी पत्नी मधुलिका, कर्नल हरजिंदर सिंह, जिनके माध्यम से मेरी उनसे बात होती थी, अन्य जवान, उनको भी श्रद्धांजलि करता हूँ। जिस महापुरुष के त्याग, बलिदान, अदम्य साहस को देखते हुए हिंदुस्तान के हजारों लाखों सैनिक इनको अपने जीवन का आदर्श मानते थे और उनका जीवन में यह ध्येय होता था कि हम कभी सेना में जाएंगे तो सीडीएस बिपिन रावत जैसा हम बनने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही ऐसे हजारों लाखों सैनिकों का मार्गदर्शक और हिंदुस्तान का हमारा नायक हमारे मध्य से आज विदा हो गए हैं, हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनरल रावत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस मुहिम को उन्होंने शुरू किया सेना के आधुनिकीकरण को और जो एक उन्होंने सेना में बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ाया, तो सारी चीजें हमें उस रूप में
हमारे सामने हैं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भी सर बीजेपी किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर 212 स्थानों पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया है। सुबह प्रदेश कार्यालय पर भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, मुख्यमंत्री जी भी थे। मैं कह सकता हूं कि हमने एक ऐसे सेना नायक को खोया जो इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कृत संकल्प थे। आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पत्नी भी हमारे बीच में नहीं रही और 11 जो सैन्य अधिकारी थे, जे सीओस थे, हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश और हम सबको और परिवार को जो है ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि हम इस गहन दुख को जो है वहन कर सके। मैं उनकी शहादत को जो है सैल्यूट करता हूँ। आपको बता दें कि आज सत्र का पहला दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित रहा, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा सत्र की अवधि को भी एक दिन बढ़ा दिया गया है। 11 दिसंबर को भी सदन संचालित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।